और आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने गोल्ड देने वाली कंपनियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। ग्राहकों को अब ज्वेलरी के बदले लोन लेने के लिए खरीद की रसीद दिखानी होगी। यही नहीं, गिरवी सोने के बदले बड़ी रकम का लोन अब कैश में नहीं मिलेगा। फटाफट लोन देने का दावा करने वाली गोल्ड लोन कंपनियों से अब लोन लेना आसान नहीं होगा। 20 ग्राम से ऊपर की सभी ज्वेलरी के बदले लोन लेने पर ग्राहकों को खरीद की रसीद दिखानी होगी या फिर साबित करना होगा कि सोने का मालिक वही है। ग्राहकों को 1 लाख रुपए से ऊपर के लोन की रकम कैश में नहीं बल्कि अब चेक के जरिए मिलेगी। अभी गोल्ड लोन कंपनियां 10 लाख रुपए तक की रकम कैश में देती हैं। खराब क्वालिटी के गोल्ड पर अब कम लोन मिलेगा। अब तक कंपनियों का क्वालिटी के हिसाब से सोने की वैल्यू तय करने का कोई पक्का आधार नहीं था, लेकिन अब सभी कंपनियों को 22 कैरेट को आधार बनाकर ही लोन देना होगा। गिरवी सोने की कीमत बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के 22 कैरेट गोल्ड के एक महीने के औसत भाव के आधार पर ही तय की जाएगी। गोल्ड लोन कंपनीज इसकी गाइडलाइंस लाएंगे और मेरे ख्याल से इसमें दो तरीका, एक तो आप हैं कौन, उसको ऑब्वियसली अगर आपके पास ज्वेलरी का प्रूफ नहीं है, और बहुत केसेस में नहीं होता, कैश में खरीदा हुआ होता है, गिफ्ट में मिलता है। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन कंपनियों के कामकाज को सुधारने के लिए और भी निर्देश दिए हैं, जैसे 5 लाख रुपए से ऊपर का सोना रखने पर पैन कार्ड जरूरी होगा। गिरवी सोने को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता उपाय करना होगा। ग्राहक जिस इलाके का होगा, ज्वेलरी की नीलामी भी उसी इलाके में की जाएगी। गिरवी ज्वेलरी की नीलामी से पहले एक रिजर्व प्राइस तय करना होगा। नीलामी के बाद बकाया रकम लेने के बाद बाकी रकम ग्राहक को लौटाना होगा। जानकार मानते हैं कि रिजर्व बैंक के नए नियमों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। बॉम्बे बुलियन की जो प्राइजेज हैं वही प्राइजेज NDFC कंपनीज के जो गोल्ड लेते हैं, जो 60% उनको गोल्ड देना, उसका कैलकुलेशन के लिए वो प्राइजेज को मान्य करेंगे। इससे एक तो जो बॉरोअर है उनको ट्रांसपेरेंसी आएगी रेट्स की, कि क्या रेट मार्केट में एक्चुअल क्या रेट है। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद ग्राहकों के लिए बैंकों से गोल्ड लोन लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनियों के 20-26% की ब्याज दर के मुकाबले बैंकों से 12-16% की दर पर लोन मिलता है, जबकि गोल्ड लोन कंपनियों के 60% के मुकाबले बैंकों का लोन टू वैल्यू रेशो भी 90% तक है। यानी ग्राहकों को उतने ही सोने पर बैंकों से ज़्यादा और सस्ता लोन मिल सकता है। हिमाद्री बुच के साथ कुमार कार्तिके, जी मीडिया, मुंबई। चलिए अब आपको सीधे चलते हैं राजस्थान की रैली में।